2022 में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लाई रेसिपी हरी मिर्च का अचार। इसके लिए हमें ये सामान चाहिए, हरी मिर्च 250 ग्राम, 2 टेबलस्पून राई और 2 टेबलस्पून मेथी, सौंफ 2 टेबलस्पून, पीली सरसों 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हल्दी। ये सरसों और मेथी को हम रोस्ट करेंगे। इन दोनों को हम रोस्ट करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैंने ये मिर्च ली है, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के और 20 मिनट के लिए धूप में सुखा लिया था, जिससे इनमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब इनको हम कट कर लेंगे। मिर्च को हम ऐसे कट करेंगे, ये देखिए। तो हम तेल को कढ़ाई में डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच। इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और अब इसको गरम करेंगे। गरम तेल में मसाले थोड़ा सा भून लेने पे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अचार का रंग भी बहुत अच्छा आता है। देखिए, अब मैं ये मसाले तेल में डालूंगी। ये देखिए, हल्दी और धनिया मिर्च सब एक साथ। इसके बाद में सौंफ और पीली सरसों और ये रोस्टेड ड्राई और मेथी। और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, ये मसाला हमारा तैयार है और मसाला हमें थोड़ा मोटा कूटना है, ऐसे दरदरा सा। ये देखिए, बारीक नहीं पीसना है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है अचार। अब इसमें हम 2.5 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। देखिए, अब इनको हम भरेंगे ऐसे। सारी मिर्चों को इस तरह से हम भर लेंगे। देखिए, हमारा मिर्च का अचार ये बनके तैयार है। अब इसको हम पॉट में डालेंगे। देखिए, ये अचार डल चुका है। इसको आप 3 से 4 दिन तक धूप में रखेंगे और फिर फाइनल ये आपका अचार तैयार हो जाएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।